Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Assalamu alaikum students. जैसा कि आप जानते हैं कि last lectures में हमने decimal की multiplication, addition और subtraction सीखी थी. आज जो है decimal की division के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि अगर आपके पास डेसिमल हो और डिवाइड हो रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास, तो फिर आप किस तरह से उसको डील करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. ये आपके पास क्वेश्चन है 144 डिवाइडेड बाय 1.2. ठीक है, अभी किस तरह से सॉल्व होगा? सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये लिख दिया न्यूमरेटर, ये आपने 144 लिख दिया न्यूमरेटर में और 1.2 लिख दिया डिनोमिनेटर. सबसे पहले तो आपको ये करना है. फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डेसिमल रिमूव करने होंगे, चाहे आपके पास न्यूमरेटर में भी या डिनोमिनेटर. इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में आपके पास डेसिमल है, तो वो डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा. अब वो डेसिमल रिमूव करने का तरीका क्या है वो ये देखते हैं. अब आपके पास देखें, यहां डेसिमल है. अब डेसिमल न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, जिसमें भी डेसिमल होगा मौजूद आपके पास, वहां से डेसिमल रिमूव होगा तो डेसिमल के राइट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स ऊपर आ देंगे. ठीक है, ये रिमूव किया तो यहां पे क्या गया, डेसिमल के बाद कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, एक डिजिट, तो यहां पे ऊपर एक जीरो आ गया. अब आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कर देंगे. किस तरह से, 1440 डिवाइडेड बाय 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 सा 144. ठीक है, और यहां पे जीरो है तो यहां पे जीरो आ जाएगा. तो आपका आंसर क्या आ गया, 120. इस तरह से डेसिमल के जब भी डिवीजन आएंगे तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा. एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं. स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. लिखा हुआ 25.6 डिवाइडेड बाय 4. पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास डिनोमिनेटर में डेसिमल था और न्यूमरेटर में डेसिमल नहीं था. इसमें भी वही करते हैं कि पहले न्यूमरेटर लिखते हैं. ठीक है, 25.6 और डिवाइड बाय 4. इस तरह से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिया. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल रिमूव करना होगा. पहले हमने सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल होगा तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आ रहे होंगे उतने ही जीरो जो है वो न्यूमरेटर में लग जाएंगे. लेकिन अब यहां पे सिचुएशन क्या है कि न्यूमरेटर में डेसिमल है और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसी तरह से इसमें भी यही करेंगे. इसमें क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर से. डेसिमल रिमूव किया तो क्या हो गया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट है, तो नीचे ऑटोमेटिकली एक जीरो आ जाएगा. तो इस तरह से आपने डेसिमल रिमूव कर दिया. अब आपके पास ये क्या होगा, 256/40 256 डिवाइडेड बाय 40. अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 256 डिवाइडेड बाय 40. किस तरह से हो जाएगा, आप टेबल पढ़ेंगे इसका.
हो जाएगा 46 240, ये हो जाएगा 40 × 6 240, फिर यहाँ रिमेनिंग आएगा 16, फिर आप क्या हो जाएगा 16 जो है वो 40 से छोटा है तो क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल आएगा तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा 40 × 4 160, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.4 आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स डेसिमल के लिए आज, डेसिमल के डिवीजन के लिए आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल होंगे। थैंक यू वेरी मच।